चलो ठीक है। तो इस आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है कौन बताता है, कौन बताता है? और जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कौन बताता है? ओडोमीटर। तो जब भी आप ये स्पीडोमीटर, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, आपने देखा होगा तो स्पीडोमीटर के नीचे एक डब्बा होता है जो टोटल किलोमीटर बताता है ना। किसी में डिजिटल होता है, किसी में दूसरे मेथड का होता है जिसमें वो गोल गोल घूम के बताता है, डिजिटल नहीं होता है वो, है ना। तो मैकेनिकल होता है या डिजिटल, कोई सा भी हो, नीचे में ऐसा टोटल किलोमीटर लिख के बताता है आपको, इतना किलोमीटर गाड़ी आज तक चली है ना। तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर याद रखना, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता। ठीक है, अगर आप घर से गाड़ी निकाले, 10 किलोमीटर घूम के आ जाओगे वापस वहीं पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, लेकिन आपका गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताएगा? 10 किलोमीटर। वो डिस्टेंस बताएगा कि आपने कितना चला है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल। ये मैं बताया ना, जैसे मान लो आप यहां से अंबिकापुर गए, तो आप जो निकालोगे टोटल दूरी यहां से अंबिकापुर की 40 किलोमीटर, और मान लो आपको लगा 40 मिनट, तो आपने टोटल 40 किलोमीटर अपॉन 40 मिनट किया, तो जो आपको मिला वो कौन सी स्पीड मिली? एवरेज। कौन सी स्पीड मिली? एवरेज। क्योंकि आपकी जरूरी है कि आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 60 होगी, यहां से चालू किया आपने गाड़ी, एग्जैक्टली 60 और अंबिकापुर पहुंचते तक, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी, आप ब्रेक मारोगे स्पीड कम भी हुई ज्यादा भी हुई, 60 से ज्यादा भी होगी 60 से कम भी। तो आपने जो 60 निकाला वो क्या था? एवरेज। क्या था? एवरेज आपको ओवरऑल मोशन के बारे में बताता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड इज अ स्केलर व्हाइल एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। बात समझ में आई? तो अगर सेम मोशन के लिए आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो तो कौन ज्यादा होगा? सेम मोशन के लिए अगर आप एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो तो कौन ज्यादा होगा? एवरेज स्पीड ज्यादा होगा। कल ही तो बताया था यहां से अंबिकापुर 40 किलोमीटर गए, समय तो सेम लगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट लोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो 40 से कम आएगा ना, तो एवरेज वेलोसिटी कम होगी, एवरेज स्पीड ज्यादा। तो याद रखना, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड वो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप सबसे छोटा रास्ते से ही गए हो, स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बराबर। हाँ, सेम। अदरवाइज क्या होगी? एवरेज स्पीड इज मोर देन एवरेज वेलोसिटी, याद रहेगा। सेम मोशन के लिए, फॉर द सेम मोशन एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बताया था ना कल, क्योंकि डिस्टेंस तो आप यहां से अंबिकापुर गए तो 40, और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, हवा से देखोगे डायरेक्ट दूरी तो यहां से अंबिकापुर की कम हो जाएगी ना 40 किलोमीटर से। सोचो ना, यहां से आपके घर से एकदम स्ट्रेट हाईवे होता अंबिकापुर का, तो बहुत किलोमीटर बच जाता ना उसमें, टर्न वर्न सारे बच जाते, यस और नो, घाट वाट सब बच जाते पूरे, तो फिर डायरेक्ट बहुत डिस्टेंस कम हो जाता, समय तो उतना ही लगा ना, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी समय तो सेम आप मानोगे, क्योंकि जब आप डिस्टेंस ले रहे हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा या बराबर। ठीक है, ये लिखना है, चलो उसको लिख लेना, ये जब लिखोगे तब, अभी पहले सुन लो पूरा, ठीक है, जब ये लिखोगे तब लिख लेना। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, व्हाइल एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। सेम वही बताया हुआ है, जैसे जो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस था वही सेम है, तो यहां पर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपने स्पीड और वेलोसिटी में तो डिफरेंस लिख ही दिया है ये। इन जनरल एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्या बोला? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जनरली बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो हो भी सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले और सेम डायरेक्शन में। तो ये तो अपन ने देखा था, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में चलता है तो क्या इक्वल होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या इक्वल होता है? कहने की बात ये है, जो डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के थे वही सारे डिफरेंस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के भी हैं, सब कुछ सेम। स्केलर वेक्टर ये जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सारा हो सकता है, हमेशा स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा होगी। सेम डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस स्पीड वेलोसिटी के हैं वही डिफरेंस किसके हैं? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। बात समझ में आई? ठीक है, चलो
तो ये लिखना है ना, बस स्टार्टिंग का दो पॉइंट लिख लो, इसको हटा दो। स्टार्टिंग का दो पॉइंट लिख लो, लिख लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और एवरेज। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले उसके लिए लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, एक बार मेरे को याद दिलाना बाद में, ठीक है, अभी नहीं, पहले लास्ट में करेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है, थोड़ा समय के बाद जब अपन एक्सेलरेटेड मोशन देख लें, तब आपको जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है, तब के लिए ये है, ठीक है। तो ये स्लाइड वैसे मेरे को बाद में ही डालनी थी, चलो इसको मैं बाद में डालूंगा, है ना, याद दिलाना ना, एक स्लाइड बची हुई है, याद दिलाना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ हाँ, ज्ञान की बात बचा हुआ है। चलो अब आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो दो चीजें अलग अलग है, दिमाग में बैठा लेना, यूनिफॉर्म मोशन अलग है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग है, दोनों एकदम अलग है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अलग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग, इज दैट क्लियर, दोनों एकदम अलग है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, मतलब ना तो डायरेक्शन बदलनी चाहिए ना रफ्तार बदलनी चाहिए, सेम स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से, स्पीड भी ना चेंज हो डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मतलब वेलोसिटी चेंज ना हो, तो अगर सेम वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चल रही है एकदम सेम स्पीड से, तो पहले एक सेकंड में दो मीटर चली तो अगले एक सेकंड में भी दो, अगले एक सेकंड में भी दो, और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर दूरी चल रहा है बराबर टाइम में अलोंग अ स्ट्रेट पाथ,
अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदल दिया तब भी आप उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहोगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन अपन कब बोल रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बराबर टाइम देख रहे हो आप दो दो सेकंड का, तो डिस्टेंस भी क्या नहीं चाहिए, बराबर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहां देखो, जीरो से फोर मीटर गया, दो सेकंड में चार मीटर गया, फिर दो सेकंड में चार से आठ, फिर चार मीटर गया, फिर दो सेकंड में आठ से बारह, फिर चार मीटर गया, तो हर चार चार मीटर कवर कर रहा है कितने में, दो दो सेकंड में, तो बराबर टाइम में बराबर दूरी कवर कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एक सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये हटा भी सकते हैं अपन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, या आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मेन बात क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर बराबर दूरी चल रहा है बराबर बराबर टाइम में, तो अपन उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अगर कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो डिस्टेंस और टाइम का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब भी बनाओगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और टाइम का, याद रखना, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लिखना है कुछ, हाँ डेफिनेशन लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन, द टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये रहने देना अभी, इसको बाद में जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा ये वाले लाइन को, बस ऊपर वाला डेफिनेशन लिखना। चलो लिख लिए, बस ये ऊपर वाला लिखना है, ये वाला, बस ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वो बराबर दूरी नहीं चल रहा बराबर टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप ये सिंपल भी बोल सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, छोड़ो इसको छोड़ो, सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेना। देखो, या तो ये जो डेफिनेशन लिखे हो उसमें इक्वल की जगह क्या लिख देना, अनइक्वल, वो भी कई बुक में डेफिनेशंस होती है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप बराबर टाइम देख रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा चला, अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही डेफिनेशन लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन की, सब कुछ सेम, बस इक्वल की जगह क्या लिखना है, अनइक्वल, ठीक है। लिखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, लिख लो वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म या ये लिख लो ये यूनिफॉर्म मोशन का है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन
मोशन इज यूनिफॉर्म, और पूरा सेम लिख के अनइक्वल लिख दोगे तो एंड द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। वहां थोड़ा अलग तरीके से अंग्रेजी लिखी हुई है स्पीड की, है ना, ये ज्यादा बेटर है, सिंपल। अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम में, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ इट इज कवर्स ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। लिख लिए, देखो बेसिकली अभी तक देखो, इधर देखो, अब देखो लिखना बंद करो, इधर देखो। सबसे पहले अपन ने देखा मोशन क्या होता है, तो समय और रिफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे, अदरवाइज रेस्ट, है ना। फिर अपन ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चार डिफरेंस क्लियर है एकदम, एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर, एक स्केलर एक वेक्टर, एक सिर्फ पॉजिटिव रहता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तीनों हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। तीन चार डिफरेंस तो यही सेम स्पीड वेलोसिटी की भी है और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की भी है ना, तो याद करने की जरूरत नहीं, स्केलर वेक्टर तीनों में आएगा डिफरेंस, यस और नो, ओनली पॉजिटिव कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये भी तीनों में आएगा, यस और नो, और स्पीड इज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, ये भी आएगा सब में। तो सोचो तीन डिफरेंस तो सेम है सबके, और एक एक डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन है, खत्म। याद करने का कितना सिंपल सा तरीका है, क्यों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला तो है डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ, फिर दोनों के ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, फिर ये स्केलर है और ये वेक्टर, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है, और इस जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, मोर देन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बस समझ में आई। और ये सारे तो आपके पूरे के पूरे सेम है सबके लिए, बस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी की अगर आप देखोगे, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, फिर दोनों, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये स्केलर ये वेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब होगा, और स्पीड हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी से ज्यादा या बराबर, खत्म। क्या था इसमें याद करने में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस। फिर दो चीजें आई थी स्पीड में, एक आई थी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक क्या थी, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताता था, पूरे मोशन के एक पर्टिकुलर टाइम, सिर्फ एक अकेले टाइम के बारे में बताता था, और कौन बताता था, ये स्पीडोमीटर, कौन बताता था, स्पीडोमीटर। और एवरेज स्पीड क्या बताता था, पूरे मोशन के बारे में बताता था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सेम एवरेज स्पीड जो है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बात समझ में आई, बस। फिर और क्या पढ़े, बस उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है मतलब पार्टिकल बराबर दूरी चल रहा है बराबर टाइम में, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एंड इफ इट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अभी तक इतना ही तो पढ़े तीन लेक्चर में, है कि नहीं, हो गया रिविजन पूरा, आगे बढ़े, है ना। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग फटाफट खाली क्वेश्चन लिखो कॉपी में, एक बार घर में करना है। 1 2 3 4 5 6 5 फेयर कॉपी में ही लिख लो क्वेश्चंस, तो सॉल्व भले ही रफ में करना, क्वेश्चंस लिख लो फटाफट जल्दी से एकदम, तुम्हारे पास केवल एक ही मिनट है, एक मिनट नहीं मान लो 6 मिनट है, 5 5 मिनट की क्लास स्टार्ट होती है। अच्छा कल क्यों एबसेंट थे क्रिश? ये क्वेश्चन लिख लेंगे तो चेंज कर देना दूसरा क्वेश्चन एक बार, फिर दूसरा लिख लेंगे तो तीसरा, है ना। मेरी आवाज नीचे तक जा रही थी कैसे? पैक है पूरा रूम तो ये।